मुंबई इंडियन और केकेआर के बीच खेले गए आईपीएल 2021 के 34वें मुकाबले में केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियन ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर महज 155 रन ही बना सका, जिसे केकेआर की टीम ने महज 15 ओवर में वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी के धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर यह मुकाबला जीत लिया। इसी सब के बीच मुंबई इंडियन के बल्लेबाजी के 9वें ओवर के दूसरे गेंद पर डिकॉक के लॉन्ग ऑन पर शॉट खेलने के दौरान रोहित शर्मा जमीन के नीचे गिर गए। तो क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े इसी तरह के लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल जब मुंबई इंडियन की टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, तो केकेआर को ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए केकेआर के कप्तान ने अपने टीम के अनुभवी गेंदबाज रसेल को 9वां ओवर दिया। रसेल के पहले ही गेंद पर डिकॉक द्वारा लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला गया, बॉल सीमा रेखा से बाहर भेज दिया गया। फिर उसी ओवर के दूसरे गेंद पर भी डिकॉक ने स्ट्रेट शॉट खेला जो कि नॉन स्ट्राइक इन पर खड़ा रोहित शर्मा के तरफ आ रहा था, जिसे बचने के लिए रोहित शर्मा नीचे गिर गए, जिसके वजह से वो भी बाउंड्री चला गया और उस बॉल पे भी लगातार 2 चौका लगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे हमारे साथ।